हाय वेलकम टू कोड फाइंड यू वेलकम लास्ट वीडियो इन द इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आखिरी चांस है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अपनी जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसकी हम यहाँ पे लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे सपोज लॉग इन करके देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कस्टमर लॉग इन सपोज मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब कस्टमर अपना बिल देख सकता है। जो बिल उसका यहाँ पे जनरेट होके आया है, कस्टमर यहाँ पे वो बिल देख सकता है रिपोर्ट के अंदर। तो एक पूरी स्लिप मेरे को यहाँ पे बनानी है जनरेट बिल के नाम से, कुछ स्लिप कुछ ऐसी होगी जो आपको यहाँ पे सामने अभी स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की एक स्लिप होगी। ये तो अभी खैर मैंने कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया तो ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्लिप आएगी जहाँ पर सब कुछ पूरी कॉम्पिटिशन होंगी, जैसे कितना आपका टैक्स है और क्या आपका नाम है, पूरा एड्रेस और मीटर चार्ज कितना है, सब कुछ, मतलब सब कुछ टोटल होके मेरे को यहाँ पे वो डालना है। तो यहाँ पे मेरे को एक क्लास बनानी पड़ेगी सर उसके लिए, और जो क्लास होगी अपनी वो होगी अपनी यहाँ पे जनरेट बिल के नाम से, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जनरेट बिल, तो जनरेट बिल के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे क्लास बनाई और बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे ये वाली क्लास बन रही है। इसको क्या हुआ, ठीक है, इसको यहाँ से खोल लेते हैं, बढ़िया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब यहाँ से मेरे को हटानी है, तो उन सबको यहाँ से हटा देते हैं, बिल्कुल सही, वो सब यहाँ से हट चुके हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग एआरजीएस और ये हो जाएगा आपका न्यू और जनरेट बिल, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया, क्लास का मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। सेट साइज करते हैं, सेट साइज कितना चाहिए मेरे को, लेंथ कम चाहिए विड्थ ज्यादा चाहिए, ठीक है, और सेट लोकेशन लोकेशन दे देंगे अभी के लिए, सेट विजिबल कर रहा हूँ मैं इसको ट्रू, ठीक है। एक सेकंड चला के देख लेते हैं, उससे पहले मेरे को यहाँ पे करना करना पड़ेगा एक्सटेंस जे फ्रेम, ठीक है, एक्सटेंस जे फ्रेम यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे मेरे को इम्पोर्ट करना है जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। आई होप अब तक जो सिंटेक्स है वो आपको यहाँ पे रट्टा लग चुका होगा अब तक उनका, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये सब किया और यहाँ पे ये सही चल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। हम पता है एक काम कर सकते हैं कि जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप चाहो तो। एक सेकंड, लोकेशन पहले सेट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे डाला सेट लोकेशन और सेट लोकेशन सपोज मैं डाल रहा हूँ 550, तो 100 से शायद मैं इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। काम करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ से 30, इसको करते हैं 800, देख सिर्फ देखने के लिए कि सर सही चल रहा है क्या, फुल स्क्रीन पे आ रहा है क्या, हाँ बस फुल स्क्रीन पर ही आ रहा है, उतना ही आ रहा है बस सही है ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, मेरे को यहाँ पे एक पैनल बनाना है, ठीक है। पैनल के ऊपर अब मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ सेट लेआउट, सेट लेआउट, और आप यहाँ पे डाल सकते हो न्यू बॉर्डर लेआउट, मैं यहाँ पे बॉर्डर लेआउट का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे डाला सेट लेआउट और बॉर्डर लेआउट, मेरे को यहाँ पे एक पैनल बनाना है, सपोज पैनल के नाम से मैंने यहाँ पे एक पैनल बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा P1, परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पे एक जे लेबल भी बनाना है, जे लेबल जो होगा ये आपकी एक तरह से हेडिंग होगी, ठीक है, और न्यू मैंने यहाँ पे लिखा न्यू जे लेबल, ठीक है, और जे लेबल में यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ जनरेट बिल, ठीक है, जनरेट बिल के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक जे लेबल बनाया। पैनल यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो आपका होता है जे पैनल होता है, पैनल कुछ नहीं होता, ये यहाँ पे आपका जे पैनल होता है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक चॉइस भी बनानी है, चॉइस होगी आपकी यहाँ पे मंथ के नाम से, तो मैंने यहाँ पे सपोज सी मंथ के नाम से यहाँ पे मैंने चॉइस बनाई और यहाँ पे मैंने लिखा न्यू और चॉइस, ठीक है। चॉइस को कॉपी मार लेते हैं पीछे से, शायद एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे मैंने इसका यूज किया हुआ था चॉइस का, मतलब चॉइस में मेरे को अभी यहाँ पे सारे वो करवाने हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या करवाना है इसके अंदर सारे मेरे को मंथ्स ऐड करने हैं, तो वो कहाँ मैंने पीछे किया था यार, वहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा यहाँ पे, इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया, बढ़िया, और आगे चलते हैं यहाँ पे जनरेट बिल में ला के इसको सपोज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से चॉइस यहाँ पे एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चॉइस जो क्लास होती है वो हमारी AWT पैकेज के अंदर होती है, तो आपको इसको AWT पैकेज के अंदर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको AWT पैकेज के अंदर से इम्पोर्ट किया, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे नीचे आते हैं वापस, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ पे सेट बाउंस नहीं करना मेरे को क्योंकि अब मैं यहाँ पे बॉर्डर लेआउट का यूज कर रहा हूँ, बॉर्डर लेआउट पे सेट बाउंस काम नहीं करेगा, तो ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। बट एक और चीज है कि मेरे को इसको ऐसे ऐड नहीं करना, अभी दिखाता हूँ, देखो कैसे ऐड करना है, कहाँ पे ऐड होगा, मेरे को इसको पैनल के ऊपर ऐड करना है,
तो पैनल के ऊपर इस तरह से ऐड नहीं होता। मेरे को यहाँ पे एक चीज और करनी है, मेरे को यहाँ पे जे टेक्स एरिया बनाना है। जे टेक्स एरिया एरिया इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स एरिया। मेरे को इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, बट ठीक है अभी के लिए यहीं पे मैं सब कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ, बाद में देखते देखते हैं। तो सपोज 50 और 15, ठीक है, मतलब 50 इसकी लेंथ होगी, 50 कॉलम्स होंगी, मतलब 50 यहाँ, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 50 यहाँ पे रोज होंगी टेक्स्ट एरिया की और 15 कॉलम्स, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ठीक है। और सपोज अभी के लिए मैं यहाँ पे एरिया डॉट सेट टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिखाने के लिए कि सपोज यहाँ पे आ जाएगा आपका बैकस्लैश एन, दो बैकस्लैश एन जो होता है वो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यू रो को क्रिएट करता है। फिर बैकस्लैश टी अगर आपको बहुत सारा स्पेस डालना है, मैंने यहाँ पे बैकस्लैश टी दे दिया। बैकस्लैश टी जो होता है वो टैब के लिए होता है, और मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक ऑन द, और यहाँ पे सपोज ये आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मैं जनरेट बिल बटन। मैं यहाँ पे यूजर को ये बता रहा हूँ कि सर आप यहाँ पे क्या कर, आप यहाँ पे अपना बिल को जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जनरेट बिल बटन पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी और द बिल जनरेट, क्लिक ऑन द जनरेट बिल बटन टू गेट द बिल ऑफ द सिलेक्टेड मंथ, ठीक है, परफेक्ट है, कोई इश्यू आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, इसमें मेरे को स्क्रॉल बार भी ऐड करना है, ठीक है। तो स्क्रॉल बार ऐड करने के लिए हम पीछे देख चुके हैं स्क्रॉल बार कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ जे स्क्रॉल पेन का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे पेन करके इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज न्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जे स्क्रॉल पेन, और इसके अंदर अब मेरे को यहाँ पे एरिया को डालना है। तो एरिया को डाला मैंने यहाँ पे इसके अंदर, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं, उससे पहले एक बटन भी बना लेते हैं। बटन सपोज बिल के नाम से सपोज मैं यहाँ पे बटन बना रहा हूँ, जियो जे बटन, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जनरेट बिल। अब मेरे को इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करना है फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे P1 को ऐड करना पड़ेगा, P1.add मैंने यहाँ पे लिखा, और मेरे को यहाँ पे जो मेरा लेबल है उसको मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। लेबल है मेरा यहाँ पे जनरेट बिल के नाम से, तो जनरेट बिल जो है मेरा वो यहाँ पे हेडिंग के नाम से, मैंने यहाँ पे हेडिंग को ऐड किया पैनल के ऊपर, ठीक है, हेडिंग को मैंने यहाँ पे पैनल के ऊपर ऐड किया। पैनल का पैनल जो है आपका वो P1 के नाम से नहीं है, वो पैनल के नाम से। एक लेबल मेरे को यहाँ पे और चाहिए, ठीक है, हेडिंग और चॉइस के बीच में मेरे को यहाँ पे एक लेबल और दिखाना है, जो कि होगा आपका यहाँ पे मीटर नंबर के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जे लेबल, और यहाँ ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मीटर नंबर, और इसके अंदर मेरे को आपका मीटर नंबर डालना है, जो भी आपका सिलेक्टेड मीटर नंबर है, जो कि एक्चुअल में पीछे से आएगा। तो यहाँ पे लिख लिख लेते हैं सपोज स्ट्रिंग मीटर, और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दिस डॉट मीटर इज इक्वल्स टू मीटर, क्योंकि इसको मेरे को इसके बाहर भी यूज करना है। तो ये तो कॉमन ही, ये तो हम काफी क्लासेस से कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे पैनल पे एक और जो आपका लेबल है उसको यहाँ पे ऐड करना है। पैनल पे मैंने सबसे पहले हेडिंग को ऐड किया, उसके बाद में पैनल पे यहाँ पे जो आपका मीटर नंबर यहाँ पे है उसको ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पैनल पे जो आपकी चॉइस है यहाँ पे आपको उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा सपोज सी मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे पैनल को उठा के मेरे को फ्रेम के ऊपर ऐड करना है, ठीक है। पैनल को मैंने फ्रेम के ऊपर ऐड किया, कहाँ पे ऐड करना है, नॉर्थ में ऐड करना है, ठीक है। तो जो फ्रेम का जो नॉर्थ है वहां पे इस टाइम पे आपको ये दिखेगा। आप यहाँ पे देखो जनरेट बिल आया है, बट मीटर नंबर नहीं आया क्योंकि मीटर नंबर पीछे से पास होगा, बट मेरे पास यहाँ पे ये सब कुछ आ चुका है। इसके बाद अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो आपका यहाँ पे पेन है, पेन में आपका यहाँ पे सारा वो है, क्या बोलते हैं जो आपका टेक्स्ट एरिया यहाँ पे सारा वो पेन के अंदर है। तो आप यहाँ पे पेन को ऐड कर सकते हो सेंटर में, ठीक है। पेन को सपोज मैंने यहाँ पे सेंटर में ऐड किया, तो आपको अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेंटर में दिखेगा। आप यहाँ पे देखो ये सेंटर में दिख रहा है। इसका मेरे को फॉन्ट साइज चेंज करना है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा, काफी छोटा आया है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एरिया डॉट सेंट फॉर सेट फॉन्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा न्यू फॉन्ट, और फॉन्ट क्या लें, सपोज सेंस सेरिफ में ले रहा हूँ। सेंस सेरिफ आप कुछ भी ले ले सकते हो, रेलवे भी एक बहुत अच्छा फॉन्ट है, रेलवे ले सकते हो, तहोमा ले सकते हो, ठीक है। और सपोज मैंने यहाँ पे लिया फॉन्ट डॉट इटैलिक, लेके देखते हैं इटैलिक, मैंने अब तक लेके नहीं देखा इस पूरी प्रोजेक्ट सीरीज में। हमने अब तक बोल्ड और उसके साथ ही काम किया है, बोल्ड और क्या कहते हैं प्लेन के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखो बिल्कुल सही चल रहा है। मेरे को बटन लगाना है सबसे नीचे, यहाँ पे बॉटम में बटन लगाना है, जिस बटन के क्लिक पे अपना यहाँ पे सारा काम होगा। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है बिल, क्योंकि बटन का जो नाम है वो यहाँ पे बिल के नाम से, और आपको उसको ऐड करना है साउथ में, ठीक है। तो परफेक्ट, चला के देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जनरेट बिल, यहाँ पे बटन आ चुका है, इसके क्लिक पे यहाँ पे अब बिल जनरेट होगा।
तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे अब एक काम कर सकते हैं कि बटन पे एक्शन लिस्टनर बिल्कुल यहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, जो जे बटन है आपका इसको आप ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो बिल के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना है सपोज इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर, ठीक है। इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवन डॉट स्टार, सही है। अब यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्शन इवेंट एंड ए, बिल्कुल ठीक है। बटन के क्लिक पे लगाना है मेरे को, तो बटन पे मेरे को एक्शन लिस्टनर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना है बिल डॉट एड एक्शन लिस्टनर, और यहाँ पे आपको डाल देना है दिस, बिल्कुल सही है। चला के देखते हैं, तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ अभी यहाँ पे कुछ होगा नहीं। बट अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे मेरा एक्शन परफॉर्म्ड है उसके अंदर अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर अब मैं बहुत काम होगा एक्शन परफॉर्म के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को पूरा अपना बिल जनरेट करना है वो पूरा डायनेमिकली जनरेट होगा, बटन के क्लिक पे वो यहाँ पे डायनेमिकली पूरा बिल जनरेट होगा, तो अच्छा खासा काम है मतलब, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ई डॉट इंस्टैक्ट वेस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के साथ, क्योंकि सारी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी अब डेटाबेस में से, ठीक है। सारी जितनी वैल्यूज आएंगी सर वो डेटाबेस में से आएंगी। मेरे को यहाँ पे मंथ निकालना है, मंथ निकाल लेते हैं, जो कि आएगा आपका सी मंथ डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम से, जो ड्रॉप डाउन में से जो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा वो यहाँ पे मेरे को निकालना है। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे जो मंथ है उसको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे लोकली इस टाइम पे डिक्लेयर है, वो एरर देगा वहाँ पे। मैंने यहाँ पे इसको मंथ को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मंथ आ चुका है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो अभी के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो टेक्स्ट एरिया को भी मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि टेक्स्ट एरिया को मेरे को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना है, क्योंकि अब टेक्स्ट एरिया के अंदर ही मेरे को वैल्यूज को सेट करना है। जो मेरे को बिल दिखाना है वो टेक्स्ट एरिया के अंदर आएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया। अब मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर इनिशियली यहाँ पे कुछ वैल्यूज को सेट करना है, जैसे टेक्स्ट, जैसे एरिया डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ये दिखाना है कि सर यहाँ पे सपोज बैक स्लैश टी रिलायंस पावर लिमिटेड या अडानी पावर, अडानी पावर के शेयर भाग रहे हैं पूरी तेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज रिलायंस ही ले लेते हैं, रिलायंस पावर लिमिटेड लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे बैक स्लैश टी लिया, बैक स्लैश टी के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटेड, GENERATED जनरेटेड फॉर द मंथ ऑफ, और मेरे को यहाँ पे मंथ को कनकैट करा देना है। मैंने यहाँ पे लिखा मंथ फॉर द मंथ ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। स्पेस या कॉमा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2022 एंड यहाँ पे परफेक्ट, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन, तीन बार यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाया मैंने। चला के दिखाता हूँ, देखो क्या मस्त चलेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे आ चुका है। अब देखो जनरेट बिल पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो रिलायंस पावर लिमिटेड, बट ये बैक स्लैश एन यहाँ पे काम क्यों नहीं करा? अरे बैक स्लैश टी क्यों लगाया मैंने, बैक स्लैश एन आएगा यहाँ पे, माई बैड सॉरी। जनरेट बिल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो रिलायंस पावर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटेड फॉर द मंथ, और यहाँ पे मंथ के बाद ये कट गया, तो यहाँ से काम करते हैं मंथ के बाद यहाँ पे इसको बैक स्लैश एन डाल देते हैं और बैक स्लैश टी डाल देते हैं, ठीक है। या एक बैक स्लैश टी से भी हो जाएगा, परफेक्ट। तो अब चला के देखते हैं, मस्त चलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे सपोज जनरेट बिल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे रिलायंस पावर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। अगर सपोज यहाँ पे अप्रैल करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे अप्रैल 2022, सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर की अब मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाया दिखाया दिखानी है, ठीक है। कस्टमर की मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखानी है, कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी यहाँ पे कस्टमर टेबल के अंदर से। तो सपोज मैंने यहाँ पे ये किया, अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, सपोज दोनों में से कोई भी मेरे को अब अगर इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डेटाबेस में से आएगी। तो मेरे को यहाँ पे काम करना है, सबसे पहले तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्वेरी को हिट करना है, ठीक है। एक क्वेरी अब मेरे को यहाँ पे हिट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेरी बना लेते हैं। एक क्वेरी को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट और आर एस इज इक्वल्स टू सपोज सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर। अब यहाँ पे मेरे को मीटर नंबर चाहिए, अब यहाँ पे मेरे को मीटर नंबर चाहिए, ठीक है। बिना मीटर नंबर के हम क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा मीटर,
परफेक्ट, बिल्कुल सही चलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट हम कस्टमर वेयर दिस 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 दिस, ठीक है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि जो रिजल्ट सेट होता है वो हमारे यहाँ पे सिक्वल पैकेज के अंदर से आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे बिल्कुल आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सेट का मेरे को यहाँ से इन्फॉर्मेशन को निकाल के यूआई पे डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, अगर आर एस डॉट नेक्स्ट में वैल्यू आई है, अगर मीटर नंबर यहाँ पे मैच हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, तो अब यहाँ पे एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे सेट टेक्स किया था, एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे सेट टेक्स किया था। सेट टेक्स ने क्या किया था, यहाँ पे जो टेक्स लिखा हुआ है पहले से उसको रिप्लेस किया था। आपको अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ, ये यहाँ पे टेक्स लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे सेट टेक्स कर दिया, तो उसने इस वाले टेक्स को रिप्लेस करके यहाँ पे ये वाला टेक्स दिया है मेरे को। बट अब मेरे को रिप्लेस नहीं करना, मेरे को ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी में ही अपेंड करना है। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है जो कि होता है अपेंड फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको यहाँ पे इस तरह से अपेंड भी कर सकते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे बैक स्लैश एन लिखा, 1 2 3 4, 4 सपोज स्पेस दी मैंने यहाँ पे, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम, और मेरे को यहाँ पे लिखना है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और सपोज यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। मेरे को यहाँ से सारी वैल्यूज को निकालना है, यहाँ पे मतलब 5 6 मेरे को वैल्यूज निकालनी है, मेरे को देखना पड़ेगा कितनी वैल्यूज है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए मीटर नंबर, बंदे का यहाँ पे मीटर नंबर क्या है। तो सपोज मैंने यहाँ से मीटर नंबर निकाला, और जो मीटर नंबर है आपका वो यहाँ पे है सपोज मीटर अंडरस्कोर नंबर के नाम से, ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है, नेम आ गया, मीटर नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस निकाल सकते हो कि बंदे का यहाँ पे एड्रेस क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा AEDRESS, और सपोज यहाँ पे आपका आ जाएगा AEDRESS, ठीक है। एड्रेस के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेट, ये स्टेट से पहले सिटी ले लेते हैं, पहले एड्रेस के बाद सिटी ले लेते हैं, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे स्टेट, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा सिटी, जो कि डेटाबेस में से निकल के आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे स्टेट लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा सपोज आपका स्टेट, ठीक है। स्टेट के बाद आ जाएगा सपोज आपका यहाँ पे ईमेल, कि आपका ईमेल क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन मेरे पास है यहाँ पे डेटाबेस में। तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाला, ईमेल के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे फोन नंबर, कि आपका यहाँ पे फोन नंबर क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा के यहाँ से मैंने फोन नंबर डाला। एक काम कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, मैं यहाँ पे जो ये है मीटर नंबर, इसको यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सपोज मैंने यहाँ पर किया 1 2 2 2 5, ताकि मेरे को एक वैल्यू मिल जाए। अभी मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाए, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे उस वैल्यू को वहाँ पे हार्ड कोड किया। ये क्या बोल रहा है, कुछ एरर दे रहा है क्या, अनोन कॉलम मीटर इन, ये यहाँ पे मीटर अंडरस्कोर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट। मीटर के नाम से मेरे पास यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है डेटाबेस में, ये यहाँ पे मीटर अंडरस्कोर नंबर था, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है, बट थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। अरे ये बट ये स्पेस मांग क्यों रहा है मेरे को, तो ये नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। रैंडमली मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, आप इसको बाद में मैनेज कर लेना अपने हिसाब से कि वो एक के नीचे एक 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 आए, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक और क्वेरी को हिट करना है, मेरे को यहाँ पे मीटर इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो मीटर इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जो कि है मीटर इन्फो के नाम से। कहाँ पे गई, एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा, कस्टमर के जस्ट नीचे होनी चाहिए। तो भाई भागता इतनी तेज है, बिल्कुल नीचे ले जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टाफ कस्टमर, तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर की जो मीटर इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। रिजल्ट सेट को मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट सेट ऑलरेडी वहाँ पे डिक्लेयर है, और मेरे को यहाँ पे मीटर मीटर अंडरस्कोर इन्फो में एक क्वेरी को हिट करना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है बंदे की यहाँ पे वो निकालनी है, ठीक है। तो वो सभी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे जो मीटर की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो निकालनी है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे मीटर लोकेशन क्या है, ठीक है, मीटर लोकेशन क्या है, किस नाम से है, ये आपका जो है यहाँ पे फील्ड जो है आपके मीटर लोकेशन के नाम से। तो सपोज मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। दूसरी चीज आपका यहाँ पे मीटर टाइप क्या है, एक सेकेंड इसका देख लेते हैं किस नाम से है। ये है आपका यहाँ पे कॉपी फील्ड नेम, और यहाँ पे मैंने मीटर नंबर की जगह इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो आपका यहाँ पे मीटर टाइप आ जाएगा। फिर है आपका सर यहाँ पे आपका फेस कोड क्या है,
ठीक है, फेज कोड मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, फेज अंडरस्कोर कोड के नाम से इसको यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ पे इसको मैंने फेज किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कि बिल्ड टाइप क्या है, तो बिल्ड फेज कोड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा बिल्ड टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल्ड टाइप कॉपी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, और फिर कितने दिनों का ये बिल आया है तो मैं यहाँ पे डेज निकाला, और डेज तो आप यहाँ पे हार्ड कोडेड 30 है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट डेज भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 30 भी लिख सकते हो। बाकी दोनों फील्ड्स का मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसको हटाते हैं, चला के देखते हैं, तो सही चलना चाहिए, एक सेकेंड देख लेते हैं सही चल रहा है क्या। तो सपोज मैंने यहाँ पे जनरेट बिल किया, जनरेट बिल करने के बाद यहाँ पे तो सही तो आया है, बट ठीक है, कुछ काम मेरे को यहाँ पे करना है। ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे दो बार मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ तक, यहाँ पे सपोज मैंने एक रो डाली, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ये सब कुछ हटा हटा देना है, और यहाँ पे बस एक आपको बैक स्लैश एंड डालना है, ठीक है। अरे इसको क्या, वो एरिया डॉट अपेंड, यहाँ पे ये नहीं चल रहा है, यहाँ पे बैक स्लैश आना का, परफेक्ट 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 परफेक्ट, चला के देखते हैं, तो अब बिल्कुल ठीक आएगा, मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे अब डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे मीटर लोकेशन यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेस बढ़ाया, फेस कोड में थोड़ा सा स्पेस कम किया, बिल टाइप में थोड़ा सा स्पेस कम किया, डेज तो परफेक्ट है, ठीक है। तो रैंडमली मैं यहाँ पे स्पेस को कम ज्यादा कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा हैंडल कर लेना कि वो एक के नीचे एक आए, ठीक है, जैसे फेस कोड अब भी बहुत ज्यादा है, ये नॉर्मल अब भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक के नीचे एक आया यार, ये आप देख लेना, ठीक है, तो सही है, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अगली क्वेरी हिट मारनी है, अगली क्वेरी जो होगी आपके टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, टेक्स्ट मतलब जो जो आपका यहाँ पे वो होता है, क्या कहते हैं उसको जो आपका यहाँ पे आपके बिल पे जो टैक्स लग रहा है ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अब मेरे को वो बतानी है, ठीक है। तो एक काम यहाँ पे अब मेरे को और करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे जो ये दोनों चीजें हैं ना, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसके बाद मेरे को यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद भी मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल, ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्ट, अरे बिल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे टैक्स, ठीक है, कि कौन कौन सा आप यहाँ पे टैक्स दे रहे हो। हमारे पास यहाँ पे टैक्स के नाम से भी एक टेबल है, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओगे, भाई कितनी तेज मूव कर रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैक्स, अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है टैक्स के नाम से, जहाँ पर सारा टैक्स है हमारे पास, तो ये वाली वो टेबल है, ठीक है, ये वाली टेबल हमें यहाँ पर चाहिए। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया, और दो बार इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट, वेयर मीटर नंबर, इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट, अब यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेयर कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, मेरे को वो पूरी रो निकालनी है, उस पूरी रो का मेरे को यहाँ पे डेटा निकालना है, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कॉस्ट पर यूनिट, कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो यहाँ से कॉपी फील्ड नेम किया मैंने, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है मीटर रेंट, मीटर रेंट आपका यहाँ पे कितना है, मैंने यहाँ से कॉपी फील्ड किया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सपोज यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सर्विस एंड चार्ज से, बिल्कुल ठीक है। सर्विस चार्ज के बाद मेरे पास यहाँ पे है सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने लिखा सर्विस टैक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स के बाद है आपका यहाँ पे स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा क्या है आपका यहाँ पे स्वच्छ भारत सेस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका और स्वच्छ भारत सेस पर आते हैं, और यहाँ पे परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका फिक्स टैक्स, फिक्स टैक्स की, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, इसकी जगह मैं यहाँ पे इसको पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सपोज को मैंने वहाँ से कॉपी किया फिक्स टैक्स को, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फिक्स टैक्स, ठीक है, चला के देखते हैं, मस्त चलेगा एकदम, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने जनरेट बिल किया, और जनरेट बिल करने के बाद आप यहाँ पे देखो, तो आपका जो टेक्स स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज मेरे को यहाँ पे और करनी है, जो आप इसको एक एक को हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि दो ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं, परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे एक और क्वेरी को हिट करना है, मेरे को यहाँ पे आपका जो एक बंदे का, जो एक पर्टिकुलर बंदे का जो अब यहाँ पे कितना टैक्स आया है, मेरे को यहाँ पे वो बताना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, 1221225, ठीक है, एंड अब मेरे को यहाँ पे
कौन से मंथ का वो बिल है मेरे को यहाँ पे ये भी तो बताना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपके मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज सी मंथ डॉट गेट, या मंथ मंथ से कर लेते हैं सीधा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे निकाला हुआ है ऊपर, मंथ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ओपन निकाला हुआ है। तो आपको सीमन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम करने की यहाँ पे कोई 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 भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे जो तीन चीजें यहाँ पे मेरे को चाहिए, एक होगा आपका करंट मंथ, ठीक है, कौन से मंथ का ये बिल है मेरे को यहाँ पे ये बताना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मंथ, ठीक है। दूसरी चीज यूनिट्स कंज्यूम्ड आपकी यहाँ पे कितनी हुई है, तो यूनिट्स एंड कंज्यूम्ड ये मैं हाँ आपको दिखा भी सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है बिल के नाम से, स्लैश चार फॉर्म बिल, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा है, मीटर नंबर है आप यहाँ पे देखो, तो मंथ है उसके बाद मेरे पास, और ये आपके यहाँ पे टोटल यूनिट्स हैं ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स के बाद आपके यहाँ पे आ जाएंगे टोटल चार्जेस, तो टोटल एंड चार्जेस, ठीक है, टोटल चार्जेस क्या है, किस नाम से आपका यहाँ पे है, टोटल बिल के नाम से, और यहाँ पे मैंने इसको लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ आप यहाँ से हटा सकते हो, एक चीज आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है, जैसे एक एक काम करते हैं, इसको सपोज यहाँ से हटाया मैंने, और अब यहाँ पे एक चीज चाहिए मेरे को, ठीक है, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरे को एक ये डालना है, ठीक है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अब टोटल पेबल बताने हैं कि आपका टोटल पेबल कितना है, ठीक है, टोटल पेबल, परफेक्ट, और ये जो होगा आपका ये बिल्कुल सेम होगा, ये होगा आपका यहाँ पे टोटल बिल, टोटल बिल ही आपका यहाँ पे टोटल पेबल, तो ये परफेक्ट चलना चलना चाहिए। इसको चला के देखते हैं, तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अप्रैल मंथ का, मेरे को बिल निकालना है, जनरेट बिल मैंने यहाँ पे किया अप्रैल मंथ का, और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सर, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, एंड ये आप यहाँ पे आपकी जो रिसीट है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा ऑर्डर में ले आना, मतलब आपको स्पेस घटाना बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक के नीचे एक आ जाए, ठीक है। मैं इसको मैनुअली करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे काम करना है, जो मीटर नंबर मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किए हुए थे उन सबको मेरे को यहाँ पे वापस से जो वेरिएबल है उसमें डालना है। मैंने यहाँ पे लिखा ये और ये, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज मीटर, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे सपोज ये हटाया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये लिखा, और यहाँ पे लिखा मीटर, परफेक्ट, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेक्स्ट में तो कोई मीटर नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर, परफेक्ट है। प्रोजेक्ट में चलते हैं, प्रोजेक्ट में सिर्फ अब हमारी यहाँ पे एक क्लास है जहाँ पर मेरे को एक्शन लिस्नर लगाना है, तो अरे क्या कर रहा हूँ मैं परफेक्ट, यहाँ पे यूटिलिटी के ऊपर यहाँ पे है जनरेट बिल, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये, और यहाँ पे इसको यहाँ से सपोज मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, परफेक्ट है, सबसे नीचे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ, एंड अगर आपका मैसेज डॉट इक्वल्स ये है, अगर आपका यहाँ पे जनरेट बिल के इक्वल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो जनरेट बिल क्लास है उसको यहाँ पे खोल सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा जनरेट बिल, और इसके अंदर आप यहाँ पे मीटर को भी पास कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन में चलते हैं, लॉगिन से अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ इस जनरेट बिल क्लास को, तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, क्योंकि अब मीटर नंबर यहाँ पे डायनेमिकली आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज नवाज, और 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एडमिन नहीं है, कस्टमर लॉगिन है, मैंने यहाँ पे किया लॉगिन, ठीक है, और ये सपोज यहाँ पे लॉगिन हुआ। रिपोर्ट में चलते हैं, जनरेट बिल में, जनरेट बिल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो मीटर नंबर यहाँ पे फिलअप होके आया है, ठीक है, अप्रैल का मंथ में को यहाँ पे चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, एंड यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खत्म होता है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट को यहाँ तक देखा है, पूरा देखा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को यार लाइक करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू, एंड आप बाकी जावा प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट जीएस प्रोजेक्ट्स, मर्न प्रोजेक्ट्स, सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।